question is, what is the China connection? You are Rahul Gandhi, you are not Chinese Gandhi. धर्म पर चलना अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ चुनाव के वक्त में ही भगवान की याद आए। हमारे हिंदू धर्म में यदि राहुल गांधी हिंदू है उसको समझ ले कि प्रायश्चित के बिना उनके पुराने पापों को माफ नहीं। राहुल जी केवल और केवल कुपंच में है। राहुल जी की क्या है? इसके ऊपर भी अगर कोई सवाल उठता है तो इससे ज्यादा घोर आपत्तिजनक बात क्या हो सकती है? वो यात्रा पर गए और बहुत पहले वो कह चुके थे तो समाजवादी पार्टी के साथ दोस्ताना संबंध करते हैं जो राम की भी क्रोध दिया सिक्किम भी क्रोध दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दे की बात। बात आज होगी शिव के दर पर जीत की। जी हां, शिव के दर पर जीत हम ये बात क्यों कह रहे हैं वो आगे आप समझ जाएंगे। दरअसल कैलाश मानसरोवर जहां हिंदुओं का प्रमुख स्थल जो है वो तीर्थ स्थल माना जाता है, वजह साफ है, जहां के लिए राहुल गांधी रवाना हुए, उनकी इस यात्रा के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं क्योंकि कांग्रेस पर अक्सर मुस्लिम प्रस्थ होने के आरोप चस्पा होते रहे हैं। हाल ही में कांग्रेस पर मुसलमानों की पार्टी होने के आरोप लगाए गए थे। ऐसे में माना जा रहा है कि राहुल गांधी 2019 में नरेंद्र मोदी को चुनौती देने के लिए सॉफ्ट हिंदुत्व और सेकुलरिज्म दोनों का कॉकटेल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या वो वाकई इस यात्रा से बीजेपी के हिंदू वोट बैंक में सेंध लगाएंगे। खैर, कांग्रेस 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले इफ्तार के बहाने मुस्लिम समाज को संदेश दे चुकी है, इसलिए अब जनौधारी शिव भक्त की संभावित कैलाश यात्रा अब हिंदुओं को जोड़ने का हिस्सा मानी जा रही है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काठमांडू में भगवान पशुपतिनाथ के मंदिर में जाकर प्रभु से 2019 की जीत का आशीर्वाद मांग रहे थे। ऐसे में मुद्दे की बात में हम तो पूछेंगे कि क्या राहुल की शिव भक्ति बढ़ाएगी कांग्रेस की शक्ति। जी हां, मुद्दे की बात का आज का सबसे पहला सवाल भी यही है कि क्या शिव भक्ति बढ़ाएगी अब कांग्रेस की शक्ति। सवाल यह भी कि क्या मुस्लिम पार्टी के आरोपों से घिरी कांग्रेस की बदलेगी छवि। मुद्दे की बात का अगला सवाल यह कि राहुल यात्रा से बीजेपी के हिंदू वोट बैंक में सेंध लगा पाएंगे। मुद्दे की बात का अगला सवाल यह भी होगा कि राहुल की शिव भक्ति से आखिरकार परेशान क्यों है बीजेपी। आखिर किसकी भक्ति से भगवान शिव होंगे प्रसन्न, बीजेपी या फिर कांग्रेस? सॉफ्ट हिंदुत्व के चक्कर में कांग्रेस से छिटक ना जाए मुसलमान, यह भी एक बड़ा सवाल। और सवाल यह भी कि 2019 में भगवान शिव किसका लगाएंगे बेड़ा पार। तो चलिए मुद्दे की बात आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द। राहुल की शिव भक्ति बढ़ाएगी कांग्रेस की शक्ति। आखिर किसकी भक्ति से भगवान शिव होंगे प्रसन्न, प्रभु किसका देंगे 2019 में साथ। अब तक के चुनावों से पहले अयोध्या में भगवान राम के मंदिर को लेकर राजनीति होती रहती थी, लेकिन इस बार चुनाव से पहले भगवान शंकर को लेकर राजनीति हो रही है। सवाल उठ रहा है कि कौन बड़ा शिव भक्त है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या फिर कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी। आपको चाइनीज एनवॉय आके सी ऑफ क्यों करे? व्हाई शुड द चाइनीज एम्बेसडर सी यू ऑफ? व्यक्तिगत रूप से शुद्ध रूप से उनका व्यक्तिगत। जब गुजरात का चुनाव था तब भी मंदिर बहुत जाते थे, अब भी कैलाश मानसरोवर जा रहे हैं। एक दिन केदारनाथ चले जाएंगे, दूसरे दिन वैष्णो देवी चले जाएंगे, इससे उनका पाप धोरा नहीं जा सकता। राहुल जी खुद में कंफ्यूज पर्सनालिटी, ये वही लोग हैं, केवल वही लोग कर सकते हैं जो धर्म के आधार पर समाज को बांट के और देश का नुकसान पहुंचाते हैं। धार्मिक चोले में राहुल का ये चुनावी अवतार तो याद होगा आपको। गुजरात का चुनाव आया तब कर्नाटक का चुनाव आया तब
राहुल गांधी को प्रभु का खूब ख्याल आया और मंदिर मंदिर की परिक्रमा उन्होंने कर डाली। अब 2019 का चुनाव नजदीक आ रहा है तो राहुल का वही ख्याल फिर से उन्हें याद आ रहा है। राहुल कैलाश मानसरोवर के लिए निकल चुके हैं और बीजेपी राहुल के हिंदू प्रेम पर सवाल उठा रही है। जब गुजरात का चुनाव था तब भी मंदिर बहुत जाते थे, अब भी वो कैलाश मानसरोवर जा रहे हैं। धर्म पर चलना अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ चुनाव के वक्त में ही भगवान की याद आए। हम लोग भी हज की यात्रा पर गए थे तो उसका कोई राजनीतिक लाभ लेने के लिए नहीं गए। मानसरोवर हज के लिए जाने के लिए चूहे, हजार चूहे कहाँ के भी जा सकते हैं, ऐसे बिल्लियाँ करते हैं, ऐसे ही है। ये किसके लिए जा रहे हैं वहाँ? शिव भक्त को पूजा करने, इसके माँ तो कुछ की नहीं, इसके ग्रैंडफादर ने कुछ नहीं की, कि इनके परिवार में किसी ने ये प्रयास नहीं किया कि ये जो कैलाश मानसरोवर को खुल के हमारे हिंदुओं के लिए रास्ता खोल के वहाँ पूजा करने के लिए व्यवस्था करें। वो तो मैंने किया था 1981 में, जब उनके सबसे प्रमुख नेता डेंग शाओपिंग ने मुझे इनवाइट किया था, तो तब मैंने ये डिमांड रखी थी, उसने माना था। आज सडनली चले गए, अब जाने दो, अब एक दिन केदारनाथ चले जाएंगे, दूसरे दिन वैष्णो देवी चले जाएंगे, इससे उनका पाप धोरा नहीं जा सकता। हमारे हिंदू धर्म में यदि राहुल गांधी हिंदू है उसको समझ लें कि प्रायश्चित के बिना उनके पुराने पापों को माफ नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जिक्र करें तो उनकी भी शिव भक्ति किसी से छिपी नहीं है। वैसे भी शिव की नगरी वाराणसी से वो लोकसभा के सांसद हैं। यही नहीं, सोमनाथ मंदिर की संचालन समिति के सदस्य भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। पीएम को अक्सर केदारनाथ मंदिर, पशुपतिनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर, काशी विश्वनाथ मंदिर में रुद्राभिषेक करते हुए आपने देखा ही है। प्रधानमंत्री जब भी विदेश दौरे पर जाते हैं वहां के मंदिरों के भी वो दर्शन करते हैं। उधर गुजरात विधानसभा चुनावों के दौरान भी कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी मंदिरों का दौरा किया था। जब उनके मंदिर दौरे पर बीजेपी ने सवाल उठाए तो कांग्रेस की तरफ से ये कहा गया कि राहुल गांधी जनाधारी हैं। इतना ही नहीं, कर्नाटक विधानसभा चुनावों के दौरान भी राहुल गांधी कई मंदिरों और मठों में गए थे और चुनाव प्रचार के समय जब एक बार उनका विमान अचानक कई हजार फीट नीचे आ गया तो उन्होंने मन्नत मांगी थी कि वो कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाएंगे। दो तीन दिन पहले हम कर्नाटक जा रहे थे और हवाई जहाज में थे और हवाई जहाज यू नीचे की ओर गया, 8000 फुट नीचे गिरा। मैं हवाई जहाज में बैठा था तो मैंने सोचा चलो गाड़ी गई। गजब का इत्तेफाक है, अब जब राहुल गांधी कैलाश मानसरोवर के लिए निकल चुके हैं तो उसी समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काठमांडू में भगवान पशुपतिनाथ के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। मंदिर में बनाई गई धर्मशाला का भी प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री पिछले अपने नेपाल दौरे के दौरान यहां पर पहुंचे थे और बकायदा रुद्राभिषेक भी किया था। संजोग से उस समय कर्नाटक में विधानसभा के चुनाव के लिए मतदान चल रहा था। वैसे तो ये धार्मिक आस्था का मुद्दा है और ऐसे में राहुल गांधी इस सवाल से बरी हो जाते हैं कि कैलाश मानसरोवर की यात्रा के पीछे मकसद क्या है। वैसे भी गुजरात चुनाव के बाद से राहुल का हिंदू धार्मिक अवतार दिखाई दिया है जो पुख्ता तौर पर संकेत देता है कि राहुल की कांग्रेस को सॉफ्ट हिंदुत्व अब भाने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, दिल्ली।
जी, शिव के दर पर जीत, ये बात हम क्यों कह रहे हैं आप समझ गए होंगे। दरअसल मसला यहां पर सीधे तौर पर सियासी है, हिंदुत्व वोट बैंक से जुड़ा हुआ है, जिसको लेकर सवाल सीधे तौर पर बीजेपी ने अब खड़े किए हैं। आपको बता दें हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े हुए हैं, संजय सिंह जुड़े हुए हैं बीजेपी की ओर से पार्टी का पक्ष रखेंगे, मनोज यादव समाजवादी पार्टी की ओर से जुड़े हुए हैं, नोएडा से जितेंद्र चौधरी हमारे साथ कांग्रेस की ओर से जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। जितेंद्र, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे साहब, कांग्रेस किसकी पार्टी है, हिंदू की या मुसलमान की? ये तो सभी को पता है, सभी की पार्टी है, हिंदुओं ने भी सीखा है इसको, मुसलमानों ने भी सीखा है, ईसाइयों ने भी सीखा है, तो सबकी मिलकर पार्टी बनी है। कौन कहता है मुसलमानों की पार्टी, तो सभी लोगों ने इसको बनाया, पार्टी में सभी मेंबर हैं इसमें। ऐसा तो ये बीजेपी वाले कह रहे हैं, ये सोचते हैं, पर ऐसा है नहीं कि मुसलमानों की पार्टी, तो सभी लोगों ने बहुत मेहनत करके इस पार्टी को बनाया है और ये सभी की पार्टी है, किसी एक जात की धर्म की नहीं है, पार्टी है सभी धर्मों की पार्टी है। चुनावी मौसम में शिव भक्ति याद आती है, इसको लेकर सवाल पूछ रहे हैं वो? नहीं, चुनावी वक्त नहीं है, मैं आपको बता दूं, मानसरोवर की जो यात्रा होती है वो इसी समय खोली जाती है। अब वो समय यात्रा का समय है, तो उन्होंने कर्नाटक गुजरात में ये कर्नाटक में घोषणा की थी, उन्होंने कोई मन्नत मांगी और उन्होंने पार्टी से 15 दिन का छुट्टी लेके, पार्टियों से छुट्टी लेके जब अपनी यात्रा पे जा रहे हैं, उनका व्यक्तिगत दौरा है। तो बीजेपी को तो हर चीज में जो वोट बैंक राजनीति या विभाजन जैसा लगता है। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है, ये कभी जनेऊ दिखाते हैं, कभी मंदिर जाते हैं। नहीं, मंदिर जाना और मस्जिद आना कोई बुरा नहीं है, उसी को भगवान कहते हैं, उसी को अल्लाह कहते हैं, उसी को जो गिरजाघर में जाते हैं तो उसी को कहते अच्छा, हैं। तो क्या, तो फिर 2014 में कौन से प्रभु नाराज हो गए थे आपसे, जो शिव को मनाने के लिए अब कैलाश मानसरोवर जा रहे हैं आप? 2014 में ऐसा कौन सा श्राप दे दिया था शिव जी ने आपको कि 44 पर आ गए थे आप? ऐसा कुछ नहीं है, भगवान किसी को श्राप नहीं देते, भगवान सभी, भगवान के लिए सब बच्चे हैं, वो हमको भी आशीर्वाद देते हैं, पूरी जनता को भी आशीर्वाद देते हैं। नहीं, सब और सब एक बराबर है ना। तो फिर एंटीनी रिपोर्ट में जो बात कही गई थी तो उसमें तो मुसलमानों का जिक्र किया गया था? नहीं, वो उनकी अपनी सोच हो सकती है, ऐसा नहीं है, वो आपकी पार्टी की रिपोर्ट थी साहब। नहीं, पार्टी की रिपोर्ट, एंटीनी रिपोर्ट भूल गए क्या आप? नहीं, उन्होंने ये कहा था कि मंदिर नहीं जाएंगे, मस्जिद नहीं जाएंगे, ऐसा तो कुछ नहीं था उसमें लिखा हुआ। मैं आपको बताऊंगा क्या लिखा था उसमें। हाँ, बिल्कुल आप याद करिएगा जितेंद्र चौधरी, यानी आप ये कह रहे हैं ना कि सियासी यात्रा नहीं है ये, बीजेपी घबरा रही है, इनका व्यक्तिगत यात्रा है और उन्होंने कोई मन्नत मांगी है, मन्नत भगवान से मांग के वो जा रहे हैं वहां पे, तो क्या दिक्कत है इसमें? ठीक है, संजय जी परेशान क्यों है, बीजेपी को डर लग रहा है क्या हिंदू वोट बैंक छिटक जाएगा? नहीं तिलक जी, हमें क्यों डर लग रहा है, डर तो राहुल गांधी जी को लग रहा है और उसी डर के कारण से भोले बाबा के दरबार में गए हैं। और इनका डर देखिए साफ दिखता है, जब गुजरात का चुनाव हुआ तो सोमनाथ मंदिर जाते हैं और वो सोमनाथ मंदिर जहाँ इनके नेहरू जी ने विरोध किया था कि साहब मंदिर निर्माण नहीं होना चाहिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति थे, जब वो ज्योतिर्लिंग की स्थापना 1951 में करने जा रहे थे तो मना किया था, भाई आप राष्ट्रपति हैं, आप जाएंगे तो धर्मनिरपेक्षता खतरा पैदा हो जाएगा, वो तो सरदार पटेल जी और के एम मुंशी इन सब की देन थी कि मंदिर बन गया। हम एक सवाल करना चाहते हैं, जो जनेऊधारी राहुल गांधी जी है, जनेऊ पहने और खुद को अपना शिव भक्त कहते हैं, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सवाल ये है, एक संस्कृत का श्लोक है, शिवम भुक्त्वा शिवम यजेत, जो शिव का भक्त होता है वो शिव को के आचरण को आत्मसात करता है। हम एक सवाल कहना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं राहुल गांधी जी से कि आप शिव की भक्ति करने जा रहे हैं और उनके साथ नंदी जो बैल के रूप में है, नंदी उनके साथ रहते हैं और आपके जो कांग्रेस के लोग हैं वो कर्नाटक में केरल में खुलेआम सड़क पे गाय काट के बीफ खाते हैं, ये कौन सी है आपकी, कौन सी भक्ति है? संजय जी, दूसरा एक श्लोक, संजय जी, आपकी 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 शिव भक्ति भक्ति और इनकी भक्ति को आप नकार देते हैं? हम ये नहीं कर, नहीं आप मंदिर जाएंगे, राहुल गांधी आपसे पूछ के जाएंगे, बीजेपी नेता बताएं हमें मंदिर जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, संजय सिंह आप, अरे भाई आप तिलक जी सुनिए तो हमारी बात, हम किसी को नहीं कह रहे हैं भाई, हम तो कह रहे हैं सभी आए, सभी धर्मों के आए, राहुल गांधी जी भी आए, रोम के पोप भी आए और मक्के वाले भी आए, कोई आपत्ति नहीं, हमारा धर्म सबके लिए। आप एक काम करिए, ये ठेका ले लीजिए आप, जो बीजेपी में लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं, इन्हें तो तुम जो ना ये कह दो, ये मंदिर जाएंगे हिंदू है, बाकी इन्हें दूसरों को घोषित कर दो ना, बिना
अरे जितेंद्र चौधरी जी, ठेका 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 तो आपने ले रखा है, देश को ने रखा है भगवान के आ जाने का किसी विरोध नहीं है आप। नहीं नहीं नहीं, चिंतित क्या है, सुन लीजिए। अरे भाई सुन, राहुल गांधी झूठ नहीं बोलते, जो राहुल गांधी प्रधानमंत्री कन्या जी में खड़े होकर देते हैं, मैं बेटा मुझे बुलाया राहुल गांधी ऐसे झूठ नहीं बोलते, वोट के लिए ड्रामा नहीं करते। जितेंद्र चौधरी शांत कराइए ना, एक सेकंड जितेंद्र चौधरी संयम के साथ, मनोज यादव भी बैकफायरिंग देंगे आपको, आप चिंता मत करिए, रुकिए आप। संजय जी अपनी बात पूरी करिए जल्दी से। हम जी अब राहुल गांधी इंग्लैंड जाते हैं, हिंदुओं को आइसिस और तालिबानी भगवा आतंकवादी बताते हैं और कहते हैं कि हमारा, इन्होंने अभी कहा था कि हमारी पार्टी मुसलमानों की पार्टी है, राहुल गांधी ने कहा कि हम ना सॉफ्ट हिंदुत्व में विश्वास करते हैं ना हम किसी हिंदुत्व में विश्वास करते हैं, हिंदू है बस, ये कहा इन्होंने। संजय जी दिक्कत क्या आप लोगों को, किसी हिंदू पे विश्वास ही करते हैं, राहुल गांधी मंदिर जा रहे हैं, दिक्कत क्या है, पूछ के जाएंगे आप लोगों से। देखिए नहीं 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 बिल्कुल नहीं, हम कौन होते हैं उनको उस पर आपत्ति करने वाले, लेकिन हाँ राहुल गांधी जी से एक सवाल है। देखिए शिव की भक्ति करने जा रहे हैं तो शिव मालूम है ना, एक बात सुन लीजिए, शिव मालूम है किसके भक्त हैं, भगवान राम के भक्त हैं, और ये लोग एफिडेविट देते हैं सुप्रीम कोर्ट में कि भगवान राम काल्पनिक हैं, ऐतिहासिक भी नहीं है, ये कौन सी भक्ति है इन लोगों की। देखिए अपना स्टैंड क्लियर कर लें ये लोग, ये क्या चाहते हैं इस देश के अंदर। संजय जी उस पर भी आऊंगा, मैं आपकी राम भक्ति पर सवाल नहीं उठा रहा, मैं उस पर भी आऊंगा। चिंता इसी बात की ना कि गुजरात में वो मंदिर गए आपको नुकसान हो गया, इसी बात की चिंता है ना। राहुल गांधी गुजरात में मंदिर गए आपको नुकसान हो गया वाले साहब, हम तो कणकण में नहीं, हमें इतराज नहीं हुआ, इतराज राहुल गांधी पहले ये बताएं कि नेहरू जी ने क्यों विरोध किया था सोमनाथ मंदिर का, जवाब दें। वो तो 1000-3000 साल का हिसाब बताते हैं देश को, पहले वो बताएं कि नेहरू जी ने क्यों विरोध किया था सोमनाथ मंदिर बनने का। एक सेकंड मनोज यादव जी पूछे कांग्रेस वाले, एक सेकंड संजय जी मुझे मालूम है मुझे क्या पूछना है, संजय जी संयम के साथ प्लीज। मनोज यादव क्या वाकई में राहुल के कैलाश जाने से बीजेपी परेशान है क्या? देखिए एक लाइन है, राहुल जी दर्शन को जा रहे थे, कुछ लोगों को लाल मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं। अब समस्या इस बात की है कि इस देश की राजनीति ना तो संविधान पे होगी, ना लोकतंत्रों के लोकतांत्रिक मूल्यों पे होगी, और ना ही देश के डेवलपमेंट पे होगी। इस देश की राजनीति अब दर्शन पे होगी। एक आपके चैनल पे मैं बड़ी बात कहने जा रहा हूँ, हो सकता है कुछ लोगों को मिर्चा भी लग जाए, तो लगेगा, अब मैं क्या कर सकता हूँ। मुझे लगता है 2019 में सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट भगवान शंकर का होने जा रहा है। अब प्राइम मिनिस्टर साहब वाले भगवान शंकर जी का आशीर्वाद मोदी जी को मिलेगा जो नेपाल में है, जिसको आशीर्वाद मिल जाएगा उनके भगवान बड़े होंगे, वो अलग बात है कि दोनों शंकर भगवान हिंदुस्तान के दायरे से अलग हैं, सिर्फ आस्थिक आस्था के रूप में, बाकी सेवाओं का दायरा अलग है। मनोज यादव एक सेकंड भगवान विष्णु और कृष्ण जी, हाँ मुझे पता था, नहीं आपको पता था ना, आप बिल्कुल आप मुझसे सवाल करेंगे, नहीं मुझे इसीलिए मुझे भी मालूम था आप ये सवाल उठाएंगे, सवाल करो आप बताइए ना मनोज यादव जी, जी फिर कौन से भगवान आपका साथ देंगे? अरे वो प्रभु राम जिनके कार सेवक पर आप गोलियां चला के पीठ थपथपाते हैं, हम तो भगवान कृष्ण के वंशज हैं और वो कृष्ण करेंगे भगवान विष्णु, मतलब आपने शिव जी को सदा रहेगा, शिव जी को कह दिया आपने कि भाई वो बाहर के शिव जी, कौन से शिव जी, और फिर वो विष्णु जी, लिटमस टेस्ट होगा भगवान का भी, नहीं तो फिर विष्णु जी का होगा ना, नहीं जिनकी मूर्ति आप बनवाने मंदिर बनवाने की बात करें सत्ता में आकर मोदी जी को, या फिर मानसरोवर वाले भगवान शंकर का आशीर्वाद मिला, अल्लाह को भी ले आइए, गॉड को भी ले आइए, इसलिए मैंने कहा अल्लाह को भी ले आइए। देखिए बीजेपी के लोगों को मिर्चा लग जाता है भाई, मैं क्या करूं, मैं बात तो बहुत सही से कर रहा हूं, अरे क्या बात, भगवान को भी मारते हैं दोनों लोग, भगवान के दर्शन को कर
सोशलिज्म गजब का है। प्रधानमंत्री पद के लिए ही हो सकता है, भगवान को बांटने लगे इसलिए हो सकता है हिंदुओं को जातपात में बांटा था। नहीं नहीं मनोज यादव, मनोज यादव आपने तो शिवजी को बांट दिया, आपने तो काठमांडू और कैलाश पर्वत के शिवजी को बांट दिया। ये आपकी सोच सवाल खड़ा करती है कि भाई मथुरा वाले और फिर अच्छा, उसके बाद जो आप मंदिर तो बना रहे हो वो कौन से ठेकेदार है क्या? नहीं नहीं ठेके तो आपने ले रखे हैं, ठेके आपने भी तो ले रखे हैं। मनोज यादव हम नहीं करेंगे, यह देश का और कोई नागरिक नहीं करेगा। अरे आप तो भगवान के नाम पे व्यापार करते हो, नहीं तो फिर सोचना चाहिए। नहीं नहीं मनोज यादव, मनोज यादव आपके अध्यक्ष बोलते हैं, बेहतरीन कार्यालय आपके अध्यक्ष मनोज यादव, त्रिपाल में मंदिर बना हुआ है। मनोज यादव आपके अध्यक्ष बोलते हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो भगवान विष्णु का मंदिर बनाएंगे, तो सत्ता में आने से पहले क्यों नहीं? वो निर्विवादित रूप से है, निर्विवादित रूप से क्या होता है? आएंगे तो बनाएंगे, ये कोई बीजेपी वाले थोड़ी नहीं है कि हम हर विवादित जगह पे ही राजनीति करेंगे। ठीक है, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड की बात करेंगे, एक सेकंड, एक सेकंड मुद्दे पर आ रहे हैं। अयोध्या विवादित कर दिया आपने, जब भगवान राम का जन्म विवादित हो गया आपके लिए, आप देख रहे होंगे बाकी वो तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने बता ही दिया। एक सेकंड, आप लोगों को विवादित कर दिया है, आपने लोगों ने धर्म को ही विवादित कर दिया है। संजय जी एक सेकंड, एक सेकंड, विवादित तो नहीं है। संजय जी मनोज यादव ने बताया कैलाश जी वाले शिव अलग है और पशुपति नाथ वाले शिव जी अलग है। एक सेकंड, हमारे ऊपर सवाल कर रहे हैं मनोज यादव, एक सेकंड प्लीज। जितेंद्र चौधरी भगवान राम भी उतर रहे हैं तो रेप नहीं बंद हो गए, वो हम पे सवाल करेंगे। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, जितेंद्र चौधरी ये एंटीनी रिपोर्ट याद आ गई क्या राहुल गांधी जी को? 2014 में जो एंटीनी कमेटी ने कहा था, तिलक जी मैं ये कह रहा हूँ बीजेपी वाले को किसी भगवान भगवान से इनको कोई मतलब नहीं है, ये अपनी पार्टी पे आइए ना करते हैं। और नहीं नहीं आप ही बहुत बड़े भगवान वाले हो, इन्होंने आप ही भगवान का जो हिंदुओं को गाली देते हो, आप इसी में घूम रहे हिंदुओं का आतंकवादी तालिबानी आईएसआई और भगवान राम तंबू में बैठे। संजय जी प्लीज, मेरे भगवान राम आज भी तंबू में बैठे जिसके कारण ये वोट बैंक है। सर वो तंबू में क्यों बैठे हैं? वो एक अलग इशू हो जाएगा। प्लीज एक सेकंड, संजय जी प्लीज एक सेकंड, प्लीज एक सेकंड, बनवाइए ना जाके, किससे रोका है इसको? एक सेकंड सुनो, पहले सुन लीजिए, एफिडेविट किसने दाखिल किया था जितेंद्र चौधरी कोर्ट में, मालूम है आपको? राम को काल्पनिक किसने कहा था मालूम है ना आपको? जितेंद्र चौधरी क्या कह रहे हैं सर? मंदिर आप भी बनने, एक सेकंड संजय जी, वो एफिडेविट दे रहे हैं कि साहब 2019 के बाद बनना चाहिए। संजय जी ड्रामेबाजी बंद करो आप लोग। संजय जी एक सेकंड, कोर्ट के भीतर ये किसने कहा कि 2019 के बाद राम मंदिर बनना चाहिए या फिर राम मंदिर पर सुनवाई होनी चाहिए? नहीं वो एक वकील है जिन्होंने कहा, अच्छा वकील पार्टी का स्टेटमेंट नहीं था, वो पार्टी का स्टेटमेंट नहीं था, एडवोकेट। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, अब मुझे ये बताइए कि एंटीनी रिपोर्ट में जो कहा गया था अब उसी पर आप अमल कर रहे हैं ना, उसे सुधार कर रहे हैं ना? मुझे ये बताओ उसमें कहां लिखा है मंदिर नहीं जाएंगे, मस्जिद नहीं जाएंगे, गिरजाघर नहीं जाएंगे या कहीं नहीं जाएंगे? जी सुन लीजिए, उसमें ये तो लिखा था कि यूपीए कांग्रेस की जो छवि बनी है वो अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के कारण जो है वो पर्याय बन चुकी है, जिसकी वजह से आप लोगों के ऊपर सवाल खड़े हुए, जिसे सुधारने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं, यही था? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, पहले भी जात नहीं है, जो उन्होंने लिखा उनकी अपनी राय थी। अपनी राय क्या होती है साहब? अरे वो कहीं नहीं लिखा साहब, उसमें कहीं ये नहीं लिखा राहुल गांधी मंदिर नहीं जाएंगे, मस्जिद नहीं जाएंगे। पार्टी ने एक्सेप्ट किया उसको, मैं आपको बता दूं, इनका प्रधानमंत्री देश के मस्जिदों में नहीं जाते, विदेश यात्रा करते हैं, मस्जिदों में मत्था टेकते हैं, दोहरा रवैया ये अपनाते हैं, देश की मस्जिदों में झुकाने में शर्म लगती है, बाहर की मस्जिदों में इनके प्रधानमंत्री मत्था टेकते हैं। हमारे राहुल गांधी जिस तरीके का झंडे बोलते हैं, मोदी जी ने गंगा जी में खड़े होकर एक सेकंड को शर्म आनी चाहिए, एक गंगा माँ में खड़े होकर सफाई कराएंगे, राम मंदिर बनाएंगे, इन्होंने अब तक कुछ नहीं किया, ताला मंदिर का खुलवाया भाग खड़े हुए। संजय जी प्लीज एक सेकंड, राम मंदिर का ताला जवाब दे दीजिए, एक सेकंड, राम जी ने खुलवाया था, एक सेकंड बनवा दे मंदिर, एक सेकंड मंदिर बनवा दे, एक सेकंड हिम्मत हो बनवाइए आके मंदिर, एक सेकंड संजय जी, ताला आप लोगों ने खुलवाया, संजय जी संजय जी अगर हिम्मत हो तो मंदिर बनवाइए, एक सेकंड प्लीज संजय जी, जनता भगवान की आवाज होती है, वो जितेंद्र चौधरी, जितेंद्र चौधरी वही पूछ रहा हूँ ना मैं आपसे। अरे आप तो जनता को गाली दे रहे हो, आप तो जनता को गाली दे रहे हो मनोज जी, संजय जी प्लीज, आपका नेता गाली देता है जनता को, संजय जी प्लीज, तालिबानी बताता, आईसिस के लोग बताते, भगवान आतंकवादी हैं हम लोग, संजय जी प्लीज। अरे आपके नेहरू और इंदिरा ने कभी ये नहीं बोला जो संजय जी प्लीज बोलते घूम रहे हैं? संजय जी राम सेतु पर किसने वोट मांगे, राम मंदिर पर किसने वोट मांगे, क्या किया आप लोगों ने, जवाब देंगे आप? आप यहां पर बैठकर धर्म के ठेकेदार बन रहे हैं आप, प्लीज एक सेकंड। जितेंद्र चौधरी जी मेरा सीधा सवाल यह है, एंटीनी रिपोर्ट जो सामने आई थी उसको लेकर जो सवाल खड़े हुए,
आप अपनी छवि बदलने की कोशिश कर रहे हैं ना आप? नहीं, हमारी छवि कोई बदले, हम तो बिल्कुल पहले भी ये काम कर रहे थे, अभी भी ये काम कर रहे हैं। हमने पहले कभी ये नहीं था, मंदिर नहीं जाते थे, मस्जिद में सब हर चुनाव में गए राहुल गांधी जी, ऐसी कोई बात नहीं है। परंतु ये काम बीजेपी वाले विपक्ष कर रहा है। अच्छा। भगवान राम के है नहीं और शिव जी की यात्रा करने चले गए तो इनको दिन में रात में नींद नहीं आती है। मनोज यादव, एक सेकंड मनोज यादव जी, जी जो जी, राहुल गांधी जो सॉफ्ट हिंदुत्व सेक्युलरिज्म का घालमेल कर रहे हैं, इतना आसान हो पाएगा? देखिए, किसी की आस्था और ईश्वर में जो विश्वास हो उस पर मुझे नहीं लगता है कि पॉलिटिकल स्टैंड लेना चाहिए। ठीक है, उन्होंने एक घटना का जिक्र किया और इसलिए वो आज कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे जा रहे हैं और उनको जाना चाहिए, ये कोई नहीं सवाल उठता है कि बीजेपी के लोग और सुब्रमण्यम स्वामी जैसे लोग और तमाम इनके प्रवक्ता इस तरह की बात करें कि इनकी माँ नहीं मानते थे, उनके बाप नहीं मानते थे, ये सारी बातें बिल्कुल अनर्गल बातें हैं। ईश्वर की आस्था ये हिंदू है, हिंदू जाके मजारों पे भी मत्था टेकता है, तमाम मुसलमान है जो मंदिरों में भी के सामने भी हाथ जोड़ के खड़े होते हैं। मुसलमान मंदिर के आगे हाथ जोड़ता है? मेरे गाँव में एक मुस्लिम है मेरे गाँव में, हिंदू जब जाते हैं मजारों पे, हनुमान जी के मंदिर के सामने एक दुकान लगाता है और हर रोज सुबह 4 बजे उठ के पूरे मंदिर के सामने सफाई करता है और दुकान वो अनाज खरीदने की छोटी सी एक टाट की पट्टी बिछा के खरीदता है। इस तरीके से हजारों लाखों लोग हिंदुस्तान में, लेकिन चूंकि बीजेपी को विवादित करने का शौक, मंडल का मंडल याद है ना, ईश्वर को विवादित बनाने का शौक, मनोज यादव मंडल का मंडल याद है ना, मैं क्यों बात कर रहा था अब आपको समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल याद है, बिल्कुल कमंडल कोई और ले गया और मंडल मंडल आप लोग ले गए। देखिए, कमंडल जो है बीजेपी वाले ले गए, अब वही जो दिक्कत आ रही है राहुल गांधी के सामने, करे तो करे क्या कहते हैं हम आज भी जय सिया राम ही कहते हैं, जय श्री राम के उस नारे को नहीं हम ज्यादा अपने ऊपर चढ़ाना चाहते जिसमें माता सीता को अलग कर दिया, हम आज भी जय सिया राम कहते हैं और जय श्री राधे श्याम भी कहते हैं। देखो, समस्या इस बात की है कि ये पुरुष प्रधानता और महिलाओं का अपमान, इस तरह की सोच बीजेपी रखती है। ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक ले जय श्री राम का नारा ले आए। एक सेकंड, एक सेकंड प्लीज, उन्होंने कह भी दिया माता सीता तो टेस्ट ट्यूब बेबी थी। प्लीज एक सेकंड, मुख्यमंत्री ने कहा, सोचिए एक सेकंड, एक सेकंड जी, मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक के उस पार सवाल यही कि आखिरकार क्या वाकई में बीजेपी घबरा रही है राहुल के इस नए अवतार को लेकर, या फिर वाकई में राहुल गांधी शिव भक्ति से कांग्रेस में नई शक्ति लाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर हो रहे हैं। या बात आज यही कि क्या शिव के दर पर जीत है? अगर जीत है तो फिर प्रभु शिव किसका साथ देंगे, नरेंद्र मोदी का या फिर राहुल गांधी का? दोनों ही शिव के भक्त खुद को साबित करने में लगे हैं। सवाल इसलिए भी खड़ा हो रहा है कि आखिरकार कैलाश मानसरोवर जाते हुए राहुल गांधी के कदम बीजेपी को क्यों अखर रहे हैं। पहले सियासी वार पलटवार और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। सिंस यू आर राहुल गांधी, नॉट चाइनीज गांधी, यू आर राहुल गांधी, यू आर नॉट चाइनीज गांधी, इसलिए आपको चाइना के ऑनवॉय और चाइना के एम्बेसडर नेपाल जाने के लिए, आप नेपाल जा रहे हैं, 11:45 के फ्लाइट से गए, इंडिगो के फ्लाइट से गए हैं, आपको चाइनीज ऑनवॉय आके सी ऑफ क्यों करे? वाई शुड द चाइनीज एम्बेसडर सी यू ऑफ? देर इज नो सच प्रोटोकॉल। वाई डिड मिस्टर राहुल गांधी वॉन्ट सो? वाई वॉज देर डिमांड फ्रॉम द चाइनीज ऑनवॉय साइड ऑल्सो is something which the Congress party should be answering. Remember, Chinese or any ambassador for that matter of purpose, see off or receive apne hi citizen ko karte hain. Wo Hindustan ke kisi member of parliament ka ya Hindustan ke kisi citizen ka aav bhagat nahi karte hain. So this is where the question is, what is the China connection? You are Rahul Gandhi, you are not Chinese Gandhi. Or are you Chinese Gandhi? ये शुद्ध रूप से उनके अपने व्यक्तिगत आस्था से जुड़ा हुआ प्रश्न है। अपने इष्ट देव भगवान शिव को के समक्ष जाकर और प्रार्थना करें वो संकल्प को पूरा करने के लिए वो निकले,
और जिन परिस्थितियों में उन्होंने संकल्प लिया था सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं। देखिए राहुल जी का जो खुद को जिन्हें उधारी ब्राह्मण कहते हैं राहुल जी, और राहुल जी खुद में कंफ्यूज पर्सनैलिटी है और वो कंफ्यूजन के शिकार हैं। वो वहाँ जा रहे हैं ये अच्छी बात है, लेकिन भगवान राम और भगवान शिव का आपसी संबंध है और उनको पहले भगवान राम के जो भक्तों पर जो हमले हुए, कार सेवकों पर जो हमले हुए, उस पर माफ़ी मांगनी चाहिए उनको कि जिस तरीके से वो समाजवादी पार्टी के साथ दोस्ताना संबंध करते हैं, जो राम की भी विरोधी है, सिख की भी विरोधी है, राम भक्तों पर भी हमले कराती है, सिख भक्तों पर भी हमले कराती है। तो राहुल जी ये केवल और केवल प्रपंच भर है राहुल जी की कैलाश है। भारतीय जनता पार्टी बैंकरप्ट हो चुकी है। किसी के धार्मिक उद्देश्य से कोई आदमी अगर कोई धार्मिक यात्रा करता है उस पर टिप्पणी करने का मुझे कोई औचित्य समझ में नहीं आता है। यहाँ वार भी है और पलटवार भी, बीजेपी वार कर रही है और कांग्रेस जवाब भी दे रही है। आपको बता दें कि लखनऊ से हमारे साथ संजय सिंह जुड़े हुए हैं बीजेपी की ओर से, मनोज यादव समाजवादी पार्टी की ओर से, नोएडा से जितेंद्र चौधरी जुड़े हुए हैं। संजय जी, सवाल तो कई उठ रहे हैं लेकिन आप कह रहे हैं कि ये राजनीतिक स्टंट है। चलिए पहला मौका ब्रेक के बाद आप ही को साबित करिए कि राजनीतिक स्टंट क्यों है। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए राहुल गांधी ने पहले हिंदुओं पे आक्रमण किया और कहा कि मंदिर में कौन जाते हैं, मंदिर में लड़के जाते हैं लड़कियों को छेड़ने के लिए। दूसरे उसके बाद फिर कहते हैं कि हम जब ये सोमनाथ मंदिर और सारे मंदिरों में घूम घाम आए, उसके बाद कहते हैं कि नहीं साहब हमें हिंदुत्व में विश्वास नहीं है, ना नरम हिंदुत्व ना गर्म हिंदुत्व, हम किसी तरह के हिंदुत्व में विश्वास नहीं करते। और फिर इन्होंने कहा कि मंदिर जाना हमारी भूल थी। फिर कहते हैं कि साहब ये कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है। देखिए तिलक जी असलियत में है क्या, जो महात्मा गांधी ने कहा था आजादी के बाद कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए, वास्तविकता में कांग्रेस विचारधारा से गई है भटक। और इसी कांग्रेस के अंदर पंडित मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे लोग विचारधारा क्या है, मंदिर नहीं जाना चाहिए उनको। संजय सिंह मंदिर नहीं जाना चाहिए, खूब जाए। नहीं 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 नहीं, यही विचारधारा है। अगर केदारनाथ जाते हैं तो आपको दिक्कत आती है, सोमनाथ मंदिर जाते हैं तो आपको दिक्कत आती है, कर्नाटक में मथुरा में जाते हैं तो आपको दिक्कत आती है। भाई भाई बात तो सुनिए, हमारी बात तो पूरी होने दीजिए। अब देखिए शिव मंदिर, शिव जी के यहाँ जा रहे हैं दर्शन करने, हम एक सवाल राहुल गांधी जी के लिए कह रहे हैं, आप शिव के दर्शन करके आइए। लेकिन भगवान शिव कौन है, भगवान राम के भक्त है और भगवान राम के भक्त हैं शिव। और अरे अरे आप मनोज जी आपको जब नहीं मालूम शिव की पूजा, काक भूषुंडी जी को पहले कथा सुनाई थी राम कथा के लिए, आप समझे। अरे जब ज्ञान ना होना मांगा था टेस्ट ट्यूब बेबी जब सीता माता को कह दिया कुछ भी कह। अरे ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये राम मंदिर क्या बनवाएंगे वहाँ कैलाश मानसरोवर यात्रा के बाद, भगवान राम के जो शिव के आराध्य हैं, भगवान राम क्या उनका मंदिर बनवाएंगे राहुल गांधी, ये बताइए। और फिर ये चीन का क्या मामला है इनका, ये चीन का कनेक्शन क्या है राहुल गांधी का, अभी इंग्लैंड और जर्मन में चीन की बड़ी तारीफ की है। एक सेकंड जितेंद्र चौधरी के मुद्दे पे चीन के एम्बेसडर से मिले, जितेंद्र चौधरी झूठ बोल रहे थे कि हम, आपको लग रहा है कि आपने आपने बीजेपी के दुखते रख पे हाथ रख दिया। कनेक्शन क्या है राहुल गांधी का, ये सॉफ्ट हिंदुत्व, चुप कराइए फिर मैं बात करता हूँ। देखो पसंद आ रहा है आप लोगों को, जी मैं ये कह रहा हूँ ये भारत देश है, हम पहले सबसे पहले भारतीय हैं और भारत में जो संस्कृति सिखाई जाती है बच्चों को, अरे भाई भारत नहीं है, उसके सामने हाथ जोड़े जाते हैं, मस्जिद हो तो उसके सामने भी हाथ जोड़े जाते हैं, गुरुद्वारा हो तो उसके सामने भी हाथ जोड़े जाते हैं, चर्च हो तो उसके सामने भी हाथ जोड़े जाते हैं। ये लोग भगवान के सामने सिर झुकाने नहीं जाते, भगवान के सामने संजय सिंह, संजय सिंह प्लीज प्लीज एक सेकंड प्लीज, जितेंद्र चौधरी जल्दी से बात पूरी करिए। जमुना तहजीब है यहाँ पे जो है, भगवान का ना इनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है, हमने मोदी जी गए हैं यात्रा पे नेपाल की पे, हमने तो कोई ऐतराज नहीं किया, कोई दर्द नहीं, हमारे पेट में तो कोई दर्द नहीं है, ये क्यों परेशान हो रहे हैं, इनके पेट में किस लिए दर्द मार रहा है, इनको पता है जनता जो भगवान की आवाज बोल रही है। 2019 के चुनाव में भगवान राम का मंदिर इन्होंने नहीं बनाया, गंगा माँ की सफाई नहीं कराई, इसलिए इनको उखाड़ के फेंकेंगे। ये अगली बार जितेंद्र चौधरी एक सेकंड, संजय जी प्लीज प्लीज एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड एक सेकंड, संजय जी संजय जी आपको कौन रोक रहा है, आपको कौन रोक रहा है, कोई रोक रहा है क्या,
नहीं रोक रहा ना नहीं, सब सारे हिंदू जो बने सर प्लीज सर सर अभी जमीन समतल नहीं करनी प्लीज एक सेकंड जमीन समतल नहीं करनी एक सेकंड संजय जी जमीन समतल नहीं करनी एक सेकंड प्लीज जितेंद्र चौधरी मुसलमान नाराज हो गए फिर क्या करेंगे नहीं हम तो मंदिर भी जाते नाराज गाय के लिए होंगे हमसे हम तो मंदिर भी जाते हैं हम मंदिर भी जाते हैं मस्जिद भी जाते हैं हम चर्च भी जाते हैं हम गुरुद्वारे भी जाते हैं तुम लोग हमें दिक्कत क्या है इनके प्रधानमंत्री की तरह नहीं है हिंदुस्तान में मंदिर में जाते हैं और विदेश में मस्जिद में जाते हैं ये झूठ बोलते हैं हम मंदिर भी जाते हैं छाती ठोक के कहते हैं इनके प्रधानमंत्री बोले मंदिर भी आएंगे तो मस्जिद भी जाकर दिखाए जब विदेश में मस्जिद में जा सकते हैं संजय जी वो तो गुजरात में आपने संजय जी आपने तो अध्यक्ष तड़ी पा रहे एक सेकंड चौधरी जितेंद्र चौधरी प्लीज भारत के बंटवारे के समय में 10 लाख हिंदुओं प्लीज प्लीज संजय जी हिंदुओं की औरतों से संजय जी प्लीज आपको तो भुगतना ही है संजय जी प्लीज एक सेकंड प्लीज पानी पी पी के को प्लीज एक सेकंड देश के अंदर पीने का एक सेकंड संजय जी प्लीज ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी संजय जी मैं ऑडियो नीचे करूंगा आपका मेरे को अच्छा लगेगा संजय जी प्लीज 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 एक सेकंड मनोज यादव मुसलमान नाराज हो गया कांग्रेस से फिर क्या आप मना लेंगे ना अपने लिए कैराना में नाराज नहीं हुआ था नूरपुर में भी नहीं नाराज हुआ था गोरखपुर और फूलपुर में भी नहीं नाराज हुआ था समस्या तो इसी बात की है ना तिलक जी कि वो नाराज नहीं हो रहा है दलित नाराज नहीं हो रहा है पिछड़ा नाराज नहीं हो रहा है सब एक मंच पे हैं सब जीतने की बात कर रहे हैं और सब बीजेपी की सरकार हटाने की बात कर रहे हैं शिवपाल भी कर रहे हैं किसी भी तरीके से बीजेपी को चैन नहीं आ रहा है शिवपाल भी कर रहे हैं क्या कुछ भी पूछ सकते हैं आपको आजादी है क्यों चाचा स्वतंत्र पत्रकार हैं चौथा स्तंभ है देश के अभी वो थोड़ी देर में मुद्दे पे बोल लूं नहीं फिर मैं बातें नहीं रख पाऊंगा मैं माफी चाह रहा हूं चाचा शिवपाल परेशान कर रहे हैं क्या देखिए अभी आपकी डिबेट में संदीप पात्रा जी के बयान चले वो बताया इंडियन नहीं चाइनीज गांधी पता नहीं कैसी अनर्गल बातें की खैर उनका काम ही अनर्गल बातें करना मैं बड़े सभ्यता से कुछ बातें याद दिलाना चाहूंगा आपके चैनल पे ये राहुल गांधी हैं कोई मोदी जी थोड़ी नहीं कि पीएम बनने से पहले अमेरिका ने बैन कर रखा था कि आप अमेरिका नहीं आ सकते हो आपको वीजा नहीं देंगे हम ये राहुल राजीव गांधी थे राजीव गांधी को अमेरिका के राष्ट्रपति खुद छाता लेके कार तक छोड़ने आते हैं ये सब कुछ नेट पे है क्या बात ये मोदी जी थोड़ी नहीं है जो वही अमेरिका को बैन करता है और अगर चाइना के किसी चाइना के व्यक्ति ने उनको अटेंड किया तो कहे की तकलीफ हो रही है इससे तो देश का सम्मान बढ़ा देश का मान बढ़ा संदीप पात्रा जैसे लोग इसी तरह सोच रख के देश के तमाम सारे लीडरान का और हमारे देश का अपमान करते हैं चाइना में जब मोदी जी जाके कहते हैं मुझे शर्म आती है कि मैं भारत में जन्मा अरे तब उनको नहीं आप एक सेकंड नहीं प्लीज 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 मनोज यादव मेरे सवाल का जवाब दीजिए मनोज यादव प्लीज किसी पार्टी के लीडर को चाइना के लोगों ने मनोज यादव एक सेकंड संजय जी प्लीज एक सेकंड प्लीज एक सेकंड प्लीज एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड अरे सर एक सेकंड प्लीज अपमानित तो नहीं किया ना एक सेकंड चाइना ने अपमानित तो नहीं किया विष्णु भक्त विष्णु भक्त मनोज यादव विष्णु भक्त कृष्ण भक्त मनोज यादव सर मेरा सवाल का जवाब दे दीजिए जी बताइए विष्णु भक्त श्री कृष्ण हाँ जय कृष्ण एक सेकेंड मथुरा का जाके हिम्मत एक सेकेंड जय श्री कृष्ण बोल रहे हो एक सेकेंड आप भी तो राम मंदिर के नाम पर नारे लगाते हैं ना परेशानी क्यों हो जाती है संजय जी आपको अभी मैं आपसे पूछूंगा आप कहेंगे जय श्री राम प्लीज एक सेकेंड लोकसभा में संजय जी बोलो चले आएंगे बिहारी एक सेकंड प्लीज एक सेकंड संजय जी ये तो ऐसे दोगले हिंदू बैठे हैं जो संजय जी मैं बाहर चला जाता हूँ
जो मुसलमानों के तलवे छाटने पे लगे। संजय जी प्लीज, क्यों देरी कर रहे हैं? प्लीज एक सेकंड, ये संसद में अध्यादेश लाइए। मनोज मनोज मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मनोज यादव संजय जी सुप्रीम कोर्ट रात में, संजय जी मैं ऑडियो नीचे करवाऊंगा आपका, मुझे अच्छा लगेगा। प्लीज एक सेकंड प्लीज, ऑडियो नीचे करा देंगे, आपके चैनल पे बैन कर देंगे बीजेपी, याद रखिएगा। मनोज यादव मेरे को किसी धमकी से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप दे या वो दे या फिर जितेंद्र चौधरी दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लीज एक सेकंड, मैं सवालों का जवाब लूंगा, अगर आपको देना तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। प्लीज एक सेकंड, एक सेकंड, उस पर आप ही लोगों ने हल्ला बोला था। संजय जी प्लीज एक सेकंड, प्लीज मनोज यादव, आप कह रहे हैं कि भाई भगवान हमारे मन में है, ये सियासत करते हैं भगवान के नाम पर बीजेपी वाले, जब भगवान राम को काल्पनिक कहा जाता है तब आप लोग सवाल क्यों नहीं उठाते? देखिए, हम एक तो भगवान से बहुत एक सूक्ष्म कण के रूप में इंसान हैं, हम भगवान के बारे में दुनिया भर की बात करें और इस तरह की बातें करें, राजनीति करें, ये हमारे बस की बात ना है। अच्छा, हम समाजवादी पार्टी के लोग सिर्फ ईश्वर की प्रार्थना, आस्था, इन सारी चीजों पे, क्यों संविधान की शपथ लिया है तो क्या बैठ के वहां घंटा बजाएंगे? क्या वहां घंटा बजाने के लिए बैठे हैं क्या? जो संविधान हमारा हमको आदेश देगा वो सारे काम करेंगे। मतलब फिर वोट बैंक? नहीं नहीं नहीं, फिर वहाँ वोट बैंक अहम हो जाता है, धर्म के नाम पर वोट बैंक? नहीं नहीं, धर्म के नाम पर वोट बैंक दिखाई देता है फिर मनोज यादव, जब आप ये कहते हैं कि और ज्यादा कितने कार सेवक मर जाते, तब आप लोगों को दिखाई देता है कि धर्म के नाम पर वोट कहाँ आएगा? तब नहीं दिखाई देता भगवान विष्णु के भक्त? चावला जी जो कुछ भी करना पड़ेगा तो किया जाएगा सर, तब पीड़ा दिखाते ना भगवान राम को काल्पनिक किसने कहा, किसने कहा तब? एफिडेविट किसने दाखिल किया था? कुछ लोगों की दुकानें, हिंदू आतंकवाद किसने बोला था? मनोज यादव तब पीड़ा नहीं हुई, हिंदू पाकिस्तान बन जाएगा ये बात किसने कही थी, तब पीड़ा नहीं हुई आपको? मुसलमानों के लिए संविधान, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, माता सीता टेस्ट ट्यूब बेबी, ये तो बिल्कुल नहीं चलेगा सर। भगवान राम उतर आए तब भी रेप नहीं बंद हो गया, ये तो बिल्कुल नहीं चलेगा सर। राम के वास्ते, विष्णु जी के वास्ते, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, जितेंद्र चौधरी आपको लगता है कि छवि बदल सकती है अगर राहुल गांधी गुजरात में कर सकते हैं, तो अगर 2019 से पहले करे तो सॉफ्ट हिंदुत्व के सहारे पीएम बन सकते हैं? देखो, ये तो खुद राहुल गांधी जी भी ने बोल दिया पीछे, मैं प्रधानमंत्री का भी कोई दावेदार नहीं हूँ, प्रधानमंत्री बाद में डिक्लेयर हो जाएगा जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे, परंतु बात चुनाव का प्रधानमंत्री का नहीं है, बात है आस्था का। तिलक जी मेरी आस्था है, आपकी आस्था है, समाजवादी की आस्था है, मैं किसी पे किसका मेरे का किसी का अधिकार नहीं है, वो किसकी पूजा करता है किसकी नहीं करता। मेरी भगवान राम में भी आस्था है, मेरे शिवजी में व्यस्ता है, आपको क्या अधिकार है मुझे पूजा करने से रोकने? भगवान राम है ही नहीं, आपको किसने अधिकार दे दिया इस चीज का? भगवान आपको राम अधिकार किसने दिया है? एक सेकंड संजय, यदि आप धर्म के ठेकेदार बन रहे हैं तो मुझे एक सुनिए सुनिए, यदि आप धर्म के इतने बड़े ठेकेदार हैं, इनका तो एक जो बीजेपी आरएसएस में है वो हिंदू हो गया, बाकी गैर हिंदू हो गए, घोषणा करो ना आप, ठेकेदार ने पट्टेदार, घोषणा करिए ना, हिम्मत है तो आपको पट्टेदार भगवान राम त्रिपाल में बैठे, आप 14 लाख का सूट, आपके प्रधानमंत्री एसी में बैठे, आपको शर्म नहीं आती? कब से आप भगवान राम के नाम पे रोटी खा खा रहे हैं? राजनीति में बैठे हुए हैं, राजनीति रोटियां सेक रहे हैं आप? ममता बनर्जी, अरे कम से कम शर्म करो भगवान के नाम पे, एक भगवान को तो छोड़ दो, तुमने जितेंद्र चौधरी, जितेंद्र चौधरी, जितेंद्र चौधरी, संजय जी, जितेंद्र चौधरी, बार बार ये बहस का विषय क्यों भटकने की कोशिश कर रहे हैं आप? भगवान राम को काल्पनिक हमने तो नहीं कहा ना? नहीं नहीं, किसने एफिडेविट दाखिल किया था? हिंदू आतंकवाद किसने कहा था? हिंदू पाकिस्तान बन जाएगा ये बात किसने कही थी? एक बयान और कहने से याद दिलाऊंगा आपको, काल्पनिक होते हैं भगवान तो भगवान होते हैं सर, एफिडेविट दाखिल करते वक्त याद नहीं आया? एक सेकंड संजय जी, संजय जी प्लीज, संजय जी, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने क्या कहा था उदाहरण देते हुए, जिसमें उन्होंने ये कहा था ना कि देश के संसाधनों पर पहला हक किसका है? पहला अधिकार मुसलमानों का है। अल्पसंख्यक बोला था साहब, हिंदू तो, एक सेकंड संजय जी, संजय जी प्लीज एक सेकंड, अरे अल्पसंख्यक का मतलब सिर्फ मुसलमान ही समझते हैं, ना जैनीज को समझते हैं, ना बुद्धिज को समझते हैं, ना सिख को समझते हैं, ना ईसाइयों को समझते हैं, यही तो इनका सबसे बड़ा सपोर्ट समझते
एक सेकंड प्लीज, ऑडियो नीचे करें प्लीज प्लीज, ऐसे नहीं हो पाएगा प्लीज। जितेंद्र चौधरी जी, छवि बदलने की जरूरत है आपको लगता है? नहीं, हमारी तो छवि बदली है, हमें तो भगवान का आशीर्वाद चाहिए, दर का आशीर्वाद में फिर क्या होगा? चुनाव में आ जाएंगे और जनता इनको से। संजय जी का ऑडियो नीचे कराओ, मुझे अच्छा लगेगा प्लीज। ये तो भारत की जनता। संजय जी का ऑडियो नीचे करिए एक मिनट प्लीज। जितेंद्र चौधरी जी जी, एक सेकंड जितेंद्र चौधरी जी, 2014 में क्या हो गया था फिर? नहीं, 2014 में कौन कहता वो मंदिर नहीं जाते थे? अगर तो पूछा नहीं, मंदिर जाते नहीं जाते थे तो आज ये चर्चा का विषय नहीं होता। तो फिर शिवजी नाराज तो थे कांग्रेस के, इसलिए इनको बीजेपी वालों को रात दिन। 2014 में नाराज थे शिवजी? नहीं नहीं नहीं, वो तो हमेशा मंदिर जाते थे, वो घर में डेली मंदिर जाते हैं, अब वो थोड़ी मीडिया के सामने इनकी तरह हम एडवर्टाइज करते हैं। अच्छा, अब भी छुट्टी लेके गए हैं वो। अच्छा, हम एडवर्टाइज नहीं करते भगवान के नाम पे, एडवर्टाइज ये करते हैं हम नहीं करते। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड मनोज यादव, एक सेकंड। संजय जी आपका ऑडियो नहीं जा रहा, पहले बता रहा हूं मैं आपको। सर बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हो रही थी, आप एक एक करके अपनी बात रखिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपको मैं पूरा समय दे रहा हूं प्लीज। मनोज यादव, आप ये मांग नहीं करेंगे कि कैलाश मानसरोवर से आने के बाद राहुल गांधी आप लोगों के साथ अयोध्या भी जाएं? अच्छा लगेगा ना आपको? देखिए, अब जो हमारे संविधान में एक शब्द जुड़ा है कि हमें स्वतंत्रता का अधिकार है, बोलने का अधिकार है, कहने का अधिकार है, तो जिसको जहां जाना होगा जाएगा। मनोज यादव, कोई मोदी जी थोड़ी नहीं है कि अमेरिका के परमिशन पे ही अमेरिका जा पाएंगे। मनोज यादव, हम समाजवादी लोग हैं। मनोज यादव, जिसको जहां जाना है वहां जाएगा। मोदी जी के, मनोज यादव, अयोध्या जाना चाहिए ना? मोदी जी के पैरों में पड़ा। एक सेकंड राम भक्त संजय यादव प्लीज, एक सेकंड बिल्कुल जाना चाहिए प्लीज, एक सेकंड। मनोज यादव, आप लोगों के साथ अयोध्या नहीं जाना चाहिए राहुल गांधी जी को? लगता है आपको फायदा होगा इसका? मैंने कहा फायदे नुकसान के लिए क्यों, आशीर्वाद लेने के लिए? आशीर्वाद लेने के लिए करोड़ों भक्तों को, हाँ तो बिल आशीर्वाद लेने में क्या बुराई है? मान लिया राम है, जिस दर पे जाना पड़े वहाँ आशीर्वाद दीजिए। मान लिया आपने, ईश्वर की कृपा अगर बनी रहेगी तो बेहतर होगा। मान लिया राम जी है वहाँ, कौन नहीं मानता है? उनसे पूछिए जो ये कहते हैं कि माता सीता टेस्ट ट्यूब बेबी थी। अरे आप उनसे सवाल पूछिए ना, क्यों नहीं इस पे चर्चा कराते हैं? जो भगवान को टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं कर लेते, उनसे बात करिए ना। एक सेकंड, जितेंद्र चौधरी अयोध्या भी जाएंगे? एक सेकंड, भगवान राम को चैलेंज करने वाले विधायक को जेल भेजा क्या? एक सेकंड एक सेकंड, कि भगवान राम भी उतर आए तो रेप नहीं? मनोज यादव आप साथ, आप कहिए मंदिर बनवाइए हम आपके साथ हैं, आप बोल दीजिए, आप बोल दीजिए मंदिर बनवाएंगे हम आपके साथ हैं, बोल दीजिए। ये कर रहे ना सियासत, क्यों कोर्ट के फैसले के बाद क्या हम विरोध करेंगे क्या? एक सेकंड, वो तो कह रहे हैं ठोक बजा के मंदिर बनाएंगे, कोई चीज कोर्ट में तो हम क्या कहेंगे? एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड प्लीज, कौन नहीं चाहता है मक्खी तरह से निकाल के फेंक देगा इन लोगों को? प्लीज एक सेकंड, भगवान राम का आशीर्वाद आपको नहीं श्राप मिलने जा रहा है। एक सेकंड, क्योंकि आपने माँ लक्ष्मी के अवतार को क्या कहा? अरे भाई, और भगवान राम को चैलेंज कर दिया, धन्य जितेंद्र चौधरी घर परिवार टूट गया। अरे विपक्ष कहता तो कोई बात थी, आपके चाचा कोई मुसलमान कहता तब तो कोई बात थी, वो क्षत्रिय शिरोमणि विधायक बलिया के कह रहे कि राम नहीं उतर आएंगे तब भी ना होगा। 40-44 सीटों पर आ गए आप यूपी के अंदर, आप परेशान मत होइए, ये लोकतंत्र है, ये राजतंत्र नहीं है कि राजा ही राजा होंगे। यहाँ वोट लगती है, यहाँ बटन दबाया जाता है, जनता अपने टेस्ट के हिसाब से सरकार बनाती है। एक सेकंड ऑडियो नीचे करिए प्लीज, थोड़ा सा मनोज यादव, मनोज यादव प्लीज एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड। जितेंद्र चौधरी जी जी जी, अयोध्या भी जाएंगे क्या राहुल गांधी? क्यों नहीं जा सकते? जब भी जा सकते नहीं जा सकते हैं, वो तो इतना समय हुआ ना, मैंने कहा जाएंगे क्या? नहीं बिल्कुल जाना चाहिए उनको, मौका मिलेगा 100% जाएंगे, वहाँ भी जाना चाहिए ना उनको, परंतु बिल्कुल जाना चाहिए, क्या दिक्कत है अयोध्या जाने में? इंतजार करेंगे जितेंद्र जी, इंतजार करेंगे। संजय जी आपका भी इंतजार हो रहा है, एक सेकंड मनोज यादव, मनोज यादव प्लीज प्लीज, मोदी जी गए थे क्या? प्लीज एक सेकंड, साल में गए मोदी जी अयोध्या? अरे सर आप 5 साल राज किए, आप गए क्या? आप गए क्या? अखिलेश यादव गए क्या? दूसरे से क्या? अखिलेश यादव गए थे क्या अयोध्या? मोदी जी चलाने प्लीज एक सेकंड, राष्ट्रपति जी जगन्नाथपुरी गए, एक सेकंड के नाम पे उनको कैसे कर दिया? एक सेकंड पूछिए ना, एक सेकंड मनोज यादव, नहीं पूछा तिलक जी, आप नहीं पूछेंगे सर, मुझे क्या पूछना है मुझे मालूम है मनोज यादव, मैं आपसे कह रहा हूँ सवाल ले लीजिए सर, मैं आपके सवाल को आगे बढ़ा रहा हूँ, अगर आपको आपत्ति हो तो आप मुझे टोक सकते हैं, लेकिन आप पहले सवाल सुन लीजिए। संजय जी नहीं टोकूंगा प्लीज, फाइनल कमेंट ले रहा हूं आपके लिए, मैंने 2 लाइनें लिखी हैं भाई सर, अतिलक जी पहले 2 लाइनें सुन लीजिए, इसके बाद आपसे डिबेट होगी। आपके सवालों का अंदाज जुदा है,
आपकी आवाज का अंदाज जुदा है, आपके सवालों का जाल जुदा है और आपकी सोच का अंदाज जुदा है। ये तो आपके लिए मैं लिख के लाया था। अब ये बीजेपी वालों से सवाल पूछिए, आप जाल फेंकिए ना कम से कम इनके ऊपर। एक सेकंड मनोज यादव, मनोज यादव, मनोज यादव प्लीज एक सेकंड, प्लीज एक सेकंड जी सर प्लीज। संजय जी, राम सेतु के नाम पर आप वोट मांगते हैं, सियासत ये करते हैं। राम मंदिर के नाम पर वोट आप मांगते हैं, सियासत ये करते हैं। अब साहब बताइए कि सियासत कर कौन रहा है? देखिए ये दुर्भाग्य है कि राम के नाम पे इस देश में धर्म निरपेक्षता के जो तथाकथित सेक्युलरिज्म है इनका, तथाकथित वो ये वास्तविकता में इस्लामिक सेक्युलरिज्म है, संविधान में नहीं, ये इस्लामिक सेक्युलरिज्म है, संविधान में नहीं, इसीलिए हम लोग कहते हैं संविधान को गाली देते हैं, ये जो चिढ़ते हैं संविधान, इन्होंने राम को अपमानित कर रखा है, इनको शर्म आनी चाहिए, ये बाबर के साथ खड़े हुए हैं, बाबर के खानदानियों के साथ। जितेंद्र चौधरी, जितेंद्र चौधरी, जितेंद्र चौधरी, ऐसी कोशिश पहले भी हुई है, ऑडियो नीचे करिए, फाइनल कमेंट ले रहा हूं 10 सेकंड में। जितेंद्र चौधरी, ऐसी कोशिश पहले भी हुई है, मंडल कमंडल का दौर याद होगा आपको, मंडल जो है वो क्षेत्रीय पार्टियों की तरफ चला गया और कमंडल जो है वो बीजेपी वाले ले गए। नहीं ऐसा, ऐसा ना हो कि 2019 में भी वही हो जाए। नहीं नहीं नहीं, हमारी पार्टी इनकी तरह झूठ नहीं बोलती। ये कहते हैं कसम राम की खाते हैं, मंदिर वही बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। आप बता दीजिए, सत्ता में आएंगे बनाएंगे? हम सरकार में आएंगे, बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं बन सकता मंदिर? नहीं नहीं बन सकता, नहीं बनाएंगे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं बना। चलिए ठीक है, मनोज यादव बहुत बहुत शुक्रिया आपका, संजय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, जितेंद्र चौधरी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन ये मुद्दे की बात में सवाल यही कि आखिरकार इस वक्त जो स्थिति है, प्रभु भी कंफ्यूज हो गए होंगे कि आखिरकार जाए तो जाए कहां। आशीर्वाद अब किसको मिलेगा, देखना यह बाकी है। प्रभु के दर पर दोनों, एक तरफ मोदी और दूसरी तरफ राहुल। मुद्दे की बात में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे कुछ ऐसे मुद्दों के साथ। मुझे दीदी, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।